है, तो 1 मोल ऑफ NO2 में, 1 मोल ऑफ NO2 में रहने वाला है 6.022 इंटू कितना रहेगा 10^23 मॉलिक्यूल्स रहेगा ऑफ NO2। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ NO2 में कितना था नंबर ऑफ प्रोटॉन? देखो एक मॉलिक्यूल ऑफ NO2 में कितना था प्रोटॉन, जरा चेक करो। 23। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन मिलेगा। 23 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। एंड अगर हमने 23 न्यूट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक बस करना था। फिर ये जस्ट ना एक मैप बना के रखो, ये आपको बहुत काम आएगा। एक शॉर्ट इसमें आपको सब इधर ये काम आएगा, तो ये जस्ट बना के रखना। और जरा कैमरा ऑन करना सब लोग। ये जस्ट बना के रखना। इधर लिखना अगर आप ये सब है ना इसमें ऐड कर दो, ये सब उसमें ऐड कर दो। इधर जस्ट लिखना मास इन ग्राम्स लिखो, यहां पे लिखना वॉल्यूम एंड यहां पे लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपको मोल से मास में जाना है, ठीक है, मोल्स को मास में अगर कन्वर्ट करना रहेगा तो आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अगर आपको मास से मोल में जाना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब ये आप पूछोगे कैसे आया, तो देखो फॉर्मूला क्या था, n इक्वल टू w अपॉन m। तो अगर आपको मास इन ग्राम्स चाहिए रहेगा तो आप क्या करोगे, n को m के साथ मल्टीप्लाई करोगे। लॉजिक समझ रहे ना, ठीक है। और अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो आप क्या करोगे, w को क्या करोगे, m से डिवाइड करोगे। ये वही चीज किया, मोल से मास में जाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया, किसको, मोल को। मास से मोल में जाना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मास को डिवाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो ये जस्ट अंडरलाइन करके रखो और ये एरो बना के रखो। सेम कंसेप्ट गोज फॉर हियर, अगर आपको मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जाना है तो आप क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको यहां पे मॉलिक्यूल से मोल में जाना होगा तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय एनए करोगे। तो यहां पे इसको जरा अंडरलाइन करना तो आपको समझेगा किसको किससे करना। सर वो नंबर का एग्जांपल बताना, कौन सा एक, क्या क्या वो नंबर एनए का। हाँ जैसे कि देखो ना, जैसे कि देखो एक एग्जांपल, 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना रहता है, 6.022 into 10^23 रहता है ना। तो अगर आपको पूछा है 0.2 मोल्स में कितना मॉलिक्यूल है तो आप क्या लोगे, x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना, मोल्स को मतलब na से मल्टीप्लाई, वही किया इधर। सेम वे अगर वॉल्यूम से करना रहेगा तो डिवाइड बाय 22.4
कब 22.4 रहेगा? जब आप क्या करोगे, जब आप इसको बार में करोगे तब। और 22.7 से कब करोगे, जब आपको क्या करना रहेगा, जब मल्टीप्लाई मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए, और 22.7 अब 22.4 से कब करते, जब क्या दिया रहता है यूनिट, बार दिया रहता है, और जब एटीएम दिया रहता है सेम, डिवाइड बाय 22.4 कब करेंगे, जब बार में दिया रहता है, मल्टीप्लाई बाय 22.4 कब, सॉरी 22.7 कब करोगे, मेरा गलती इधर डिवाइड आएगा, जब एटीएम, डिवाइड किसको करोगे, सेम वॉल्यूम को करोगे, मल्टीप्लाई किसको करोगे, मोल को करो। सर ये एटीएम और बार क्या है? बता दो इसका टेंशन, बस अभी के लिए लिख के रहो। सो ऑलरेडी किया हमने, सेम एग्जांपल्स ऑलरेडी किया, जस्ट एक शॉर्ट में आपको समझाने के लिए कब किसको किससे करते हो। ठीक है, अब यहां पे जस्ट साइड में ना लिख के रखो है, ये आप कब यूज कर सकते हो, ये बस है ना साइड में लिख के रखो, ये वाला पार्ट ये लिखना, दिस पहले चीज तो लिखो, वन मोल इज 22.7 लीटर या फिर 22.4 लीटर। मैंने बताया 22.7 कब रहता है, जब हम लोग उसको एटीएम में रखते हैं। 22.4 कब रहेगा, जब हम उसको बार में रखते। लेकिन ये कंडीशन आप कब अप्लाई कर सकते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। अभी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या फिर इसको एक और एक नाम से देते हो, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या क्या रहता है ये मैं आपको देता हूं। यहां पे जो प्रेशर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी कितना, 1 atm, या फिर इसको 1 atmosphere भी बोलते हैं, या फिर 1 bar रहता है। अब 1 atm और 1 bar में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट द सेम ही है, मैं तो चाहे तो लिख के रखता हूं। 1 atm is 1.0315, तो ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप 1 atm को 1 bar लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यार टेंशन मत लो, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है करके समझ सोचना, ऑलमोस्ट सेम ही। अब ये 1 atm रहता क्या है, तो 1 atm रहता है 10^5 pascal या फिर 10^5 newton per meter square, क्योंकि प्रेशर क्या रहता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। एरिया किस में मेजर किया जाता है, मीटर स्क्वायर में, तो डिवाइड किया मीटर स्क्वायर। कभी कभी ऐसे भी देते हैं, 1 atm इज 760 mm ऑफ Hg। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन को बस आप ऑब्जर्व करके रखो, बस जब काम आएगा वो रिपीट 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 होते जाएगा। 1-2 महीने के वक्त आपको ये बायआउट करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट ऑब्जर्व, मतलब क्या बोलते हैं, सब सीख के रखो, सीख के रखते रहो, और शीट में जब आप लिखोगे ना कंटिन्यूसली इसका यूज करते करते आपका ये बायआउट भी हो जाएगा, ज्यादा उसका टेंशन मत लेना। हेलो सुजा, लिख के हो गया आपका? अब मैंने सिर्फ प्रेशर के बारे में लिखा, टेम्परेचर कितना रहता है, तो टेम्परेचर रहता है 0°C, या फिर आप सिंपली इसको ले सकते हो
273 केल्विन, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन। ये सम्स करेंगे इस पे तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, सम्स करने वाले इसके अभी के लिए बस ये बना के रखो। सर हाँ बोलो सर, वो टेम्परेचर का समझाने किधर है? टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में स्टैंडर्ड प्रेशर कितना रहता है 1 atm या फिर 1 बार रहता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या रहता है, कोई भी केमिकल एक्सपेरिमेंट करते वक्त स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग क्या कंसिडर करते, 0°C उतना ही। बहुत बार है ना ऐसा कंडीशन क्वेश्चन में दिया एट STP, तो आपको पता रहना चाहिए क्या एट STP का मतलब क्या रहता है। अब आपके दिमाग में ऐसा भी डाउट रहेगा, देखो मैंने बोला अभी क्या ये यूज कब कर सकते 22.4 और 22.7, जब STP रहेगा तब। अब STP नहीं रहेगा तो क्या, ऐसा आपने सोचा क्या? STP नहीं रहेगा तो ठीक है, तो अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ये वाले पार्ट के लिए, इधर लिखना उसके नीचे लिखो इफ STP is not given, ठीक है। अगर STP दिया नहीं है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ये इक्वेशन यूज करेंगे PV equal to NRT। अभी एक सब बताता हूं क्या है, ठीक। अभी P into V इसको आगे कैसे लिखा जा सकता है, N का फॉर्मूला क्या रहेगा, N का फॉर्मूला अभी बताया था क्या था, N का फॉर्मूला W upon M रहेगा, यहां पे रहेगा R into क्या रहेगा P। ओके, अब जरा ध्यान दो यहां पे जो P रहता है ये क्या रहता है प्रेशर, इसको आप किसमें ले सकते हो, इधर आप ATM में ले सकते हो या फिर बार में, क्योंकि दोनों का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम है तो आप अप्रोक्स करके ले सकते हो। V का मतलब क्या है, V का मतलब है वॉल्यूम, वॉल्यूम का किस में लेते हो लीटर, लीटर को आप और एक क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करते हो, 1 liter क्या रहता है कितना, इट इज 1 decimeter, तो लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम ही है। इसके बाद आता है W, W को आप किस में रखते हो मास, और इसका यूनिट क्या रहता है ग्राम्स। फिर आता है R, R रहता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये आप 5th chapter में पढ़ोगे, अभी फिलहाल तो बस लिख के रखो क्योंकि काम आता है। अब इसका 2 वैल्यूज रहता है, अगर आप यूनिट रखोगे लीटर ATM ये यूनिट रखोगे तो इसका वैल्यू क्या रहेगा 0.082, इसको आप 1/12 भी लिख सकते हो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। और जब आपका यूनिट रहता है जूल केल्विन में तो आप इसको क्या लोगे 8.31 को, तो ये यूनिट्स पे फोकस, ये ज्यादा करके आप थर्मोडायनामिक्स में यूज कर देते हैं, ये चैप्टर में ज्यादा करके लीटर ATM पे बेस्ड रहेगा क्वेश्चन। सर वो ATM और बार है ना? हाँ, और है ATM और बार, नीचे भी लीटर और डेसीमीटर क्यों, ये दोनों का मतलब सेम है। टी का मतलब है टेम्परेचर, टेम्परेचर को आपको किसमें रखना है केल्विन, तो ये कन्वर्जन याद रखना, जब भी आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाते हो तो आप क्या करते हो +273 करते हो। एक एग्जांपल भी नीचे लिख लो 27°C इज, इसको 273 ऐड करोगे तो 300। फिर और क्या बचता है, एम, एम इज मॉलिक्यूलर वेट,
ये किस में रहता है? ग्राम पर MOL, ग्राम पर MOL या फिर जी MOL माइनस वन। तो हम लोग कुछ बहुत बेसिक एग्जांपल्स करेंगे, यहां तक पहले लिखना, ये सब आपके फुल स्केप शीट में रहना चाहिए, ये जो भी लिख रहे हैं हम लोग। अभी वापस नोटबुक पे आ जाना ये होने के बाद। ठीक है, लिख के हुआ यहां तक सबका? हाँ सर, हो गया। एक मिनट, एक, हाँ शो शो लिखो। सर वो जी पर मोल माइनस वन क्या है? देखो इसका यूनिट है मॉलिक्यूलर वेट का, इज आल्सो कॉल्ड एज, इसका यूनिट है ग्राम पर मोलर, और MOL जब ऊपर जाएगा तो ये क्या होएगा? MOL इनवर्स हो जाएगा। सिंपल है, MOL इधर क्या रेस टू वन है, अब रेस टू वन ऊपर जाएगा तो इट विल बी रेस टू। चलो तो अभी हम लोग वापस आपके नोटबुक में जाना, तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम ऑफ CH4। सर हेडिंग क्या डालने का? हेडिंग, अरे सम्स है, सम्स है, कोई हेडिंग कुछ मत डालो, आपके नोटबुक में सम्स करो, अभी नोटबुक में सॉल्व करो, फुलस्केप में नहीं, नोटबुक में करो। जो भी हमें नोट्स लिखा ना, तो मैंने पूरा शीट में लिखा दिया, अभी बस प्रैक्टिस करो इसमें। फॉर्मूला क्या आएगा सब लोग बताओ, फॉर्मूला क्या रहने वाला इसका? तो पहले एन इक्वल टू क्या आएगा? W upon M. वेट इन ग्राम्स आपको कितना दिया है? 32 ग्राम्स दिया है। CH4 का मॉलिक्यूलर वेट जरा निकालो क्या रहेगा, देखो जरा, 16। कार्बन का कितना है? 12। हाइड्रोजन का कितना रहता है? 1। एक को चार से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आने वाला है 4, तो डिवाइड करने पे आपको कितना मिलेगा? 2 मोल्स आंसर आएगा। अगर आपको यही सम से इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने पूछा है, 2 मोल दिया है तो एक मोल में कितना रहता है? 6.022 × 10⁰³। तो 2 मोल में कितना रहेगा? इंटू टू करो अगर, ठीक है, नहीं समझ रहा है तो देखो, एक मोल में कितना है? 6.022 × 10⁰³ क्या है? मॉलिक्यूल्स। हमें दिया क्या है? 2 मोल दिया है, इसमें पता है क्या कितना है? नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी x ले लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को इधर लेके जाओ, ठीक है, तो x इक्वल टू 2 को इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब कोई डाउट है किसी को? अब कोई डाउट है इसमें? यहां पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कितना आएगा? 2 × 6.022 × 10⁰³, या फिर आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हो? 2NA लिख सकते हो इसको। NA का मतलब आयो पता होगा, एवोगैड्रो कांस्टेंट रहता है।
ठीक है, नहीं तो मैंने देखो एक टेबल आपको दिया था, याद आ रहा है टेबल? हेलो, देखो टेबल दिया था आपको, मोल से क्या फाइंड आउट करना है, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना था। तो हम लोग क्या करते, देखो जरा, देखो जरा क्या करना था उसमें, शीट में चेक करो क्या करना था, इनटू एनए, इनटू एनए मल्टीप्लाई, समझ में आया ना? तो मोल्स कितना था, दो मोल्स था, इसको किससे मल्टीप्लाई करना था, एनए से मल्टीप्लाई करना था, देखो वही किया ना, क्लियर है? तो टेबल यूज करो, ठीक है, और टेबल यूज करते रहो, मैंने आपको दिया है ना वो यूज करो, काम आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है इन 3 × 10⁻¹⁰ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। ओके, अब ये यूरिया रहता है क्या है, मैं इसको जरा लिख के देता हूं, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CONH2। चलो अब देखो जरा किधर से किधर जाना है, जरा देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कहां जाना है, देखो जरा किधर जाना है, मोल, मोल्स पे जाना है। तो क्या करते जरा देखो, क्या करते जरा देखो, डिवाइड बाय एन ए, वेरी गुड, डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय एन ए करेंगे। टेबल देखो, टेबल इधर मत देखो, आपका टेबल दिया है मैंने, देखो मॉलिक्यूल से जब मोल जाते हैं तो डिवाइड बाय क्या करते, एन ए। तो कितना दिया है, 3 × 10⁻¹⁰ डिवाइड करेंगे किससे, बताओ सब लोग, हेलो सुजन और माइक ऑन करके बताओ कौस्तु, हेलो बोलो किसे डिवाइड करेंगे, तो एक पूरा सम आपको सॉल्व करने बोलूंगा के बाद निकालूंगा। सुजन आप अकेले बच्चे हो, सर बोला ना मैंने, हाँ सुजन किससे डिवाइड करोगे, लास्ट टाइम पूछ रहा है। चलो अभी किसको जवाब नहीं देना, मीटिंग के बाहर हो गए, तो डिवाइड बाय एनए करोगे, एनए रहता है क्या है जरा बताओ, एनए क्या रहता है सब लोग बताओ, 6.02 × 10⁻²⁰ तो ये और ये कैंसिल, 1/2 होएगा, 10⁻²³ ऊपर जाएगा तो कितना होएगा, क्या होएगा, 10⁻²³ −20। सबका आवाज आना चाहिए, सौरव आपका नहीं आ रहा, आप भी मीटिंग के बाहर निकलोगे अभी अभी। और 1/2 कितना रहता है, 0.5। अथर्व अमन आवाज नहीं आ रहा है, नेक्स्ट आप लोग मीटिंग, ठीक है सर बोल रहा हूँ, कैमरा चालू रखना, कैमरा जिसका बंद है वो भी मीटिंग के बाहर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये फाइंड आउट करो सर, लिखने का, लिखने का, हेलो सर बोल, वो सुजल को अंदर लो ना, मेरे को परेशान कर रहा है फोन करके, आप फोन को इग्नोर करो, इधर ध्यान दो। चलो नेक्स्ट लिखना, इसमें फाइंड आउट करो, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 67.2 लीटर O2 एट STP। दिया क्या आपको जरा चेक करो, क्या दिया यहाँ पे सब लोग बताओ, क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है क्या, नहीं नहीं, वॉल्यूम वॉल्यूम से आपको कहाँ पे जाना है, मोल,
नंबर ऑफ मोल्स में। हेलो गौरव, आवाज नहीं आ रहा आपका? अब क्या करोगे यहाँ पे, वॉल्यूम से मोल में जाना है तो क्या करोगे? डिवाइड बाय आप क्या करो, 22.7 डिवाइड करना। तो वॉल्यूम कितना दिया है, 67.2। डिवाइड किससे करोगे, 22.7। ये और ये कैंसिल आउट होके कितना होएगा आंसर, 3 मोल्स आएगा। सर लेकिन दोनों में से कैसे समझेगा कौन सा लेंगे? 22.7। अच्छा ठीक ठीक है, क्योंकि वो चेंज हो गया है तो इसीलिए पहले 22.4 ही लेते थे। जो भी आपका पुराना बुक्स में सम्स देखोगे ना, सब 22.4 से लिया। ठीक है सर, मतलब हमेशा 22.7 लेना है आपको, 22.7 लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको क्या दिया है, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आई होप सबको पता हो, क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला, सब लोग बताओ। C6H12O6. ओके, अब इसका सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है। थर्ड, मास ऑफ कार्बन फाइंड आउट करना कितना रहेगा करके, ये 90 में से मास ऑफ कार्बन क्या रहेगा ये फाइंड आउट करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दिया क्या आपको, जरा चेक करो क्या दिया आपको, क्या दिया है, मास दिया है। मास से किसमें कन्वर्ट करना आपको, मोल, नंबर ऑफ मोल कन्वर्ट करना है। चेक करो मास से जब मोल में जाते तो क्या करते, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अगर ये नहीं समझा तो फॉर्मूला यूज करो, n इक्वल टू क्या रहेगा, w बाय m। तो n कितना है यहाँ पे मास कितना दिया आपको, मास दिया है 90। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा C6H12O6 का, जरा देखो कितना है, 180 है। एक सेकेंड है, मास से जब मोल में जाते हो तो डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सर वही बोला, मैं कंफ्यूज हो गया। डिवाइड तो डिवाइड करना, चेक करो कितना आता है, कार्बन 6 × 12 तो ये होएगा 72, हाइड्रोजन 12 × 1 12, ऑक्सीजन 6 × 16 96। चेक करो टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो ये कितना रहेगा, 0.5 मोल रहेगा। अब जरा ध्यान दो है, अब जरा ध्यान दो, अब यहां पे क्या है, C6H12O6। ध्यान दो है, पहले ध्यान दो, ये तो क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, 1 मोल हो गया। ठीक है, 1 मोल, तो ये 1 मोल ऑफ C6H12O6 में कितना रहेगा, 6 मोल कार्बन रहेगा। लिखता हूं, सी लिखता हूं। दूसरा क्या रहेगा, 12 मोल हाइड्रोजन रहेगा, और लास्ट क्या रहेगा जरा बताओ, देख के आपको समझ में आना चाहिए क्या रहेगा, 6 मोल ऑक्सीजन। वेरी गुड, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। अब देखो अभी दिया कितना है, लेकिन दिया कितना है, दिया कितना है,
यहाँ पे तो एक मोल है, मिला कितना हमें देखो 0.5 दिया, मिला कितना हम लोग को 0.5 मोल। अब देखो हाँ सुन समझा रहा हूं, एक मोल में आपको 6 मोल मिल रहा है तो 0.5 के लिए आप क्या करोगे, 6 को क्या करोगे, सोचो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करोगे तो ये कितना होएगा, 3 मोल ऑफ कार्बन होएगा, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन होएगा, और ये कितना होएगा, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। आप खुद लॉजिकली सोचो, आपका 1 मोल आधा हो रहा है तो 6 मोल भी क्या होएगा, हाफ होएगा, 12 मोल भी क्या होने वाला है, हाफ, 6 मोल भी क्या होएगा, हाफ। अगर सपोज 2 मोल दिया रहता तो आपका 6 मोल क्या होता था, डबल होता था, 12 मोल क्या हो जाता था, डबल हो जाता था। क्लियर है? अब देखो जरा, आपको कार्बन का मास कैलकुलेट करना है, दिया क्या है आपको, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, फाइंड आउट क्या करना है आपको, मास फाइंड आउट करना है, क्या करोगे बताओ, देखो टेबल में देखो क्या करना था, मोल से मास में जाते वक्त n into m मल्टीप्लाई बाय क्या, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, n इक्वल टू क्या आएगा, w अपॉन m। ठीक है, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता रहना चाहिए, कार्बन का वेट इज 12, तो 12 इंटू 3 किया तो वेट कितना आएगा, इट इज गोइंग टू बी 36 ग्राम। यहां तक क्लियर सबको, जस्ट एक सेकेंड, दिस विल बी ऑन नोट्स। चलो नेक्स्ट ये करना, नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 ग्राम ऑफ प्रोपेन, 88 ग्राम ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला सबको पता है, पता है हाँ, हाँ नहीं सर आपने लिखा था अभी उधर, नहीं नहीं वो नहीं था, C3H8 सीते, हाँ मैंने लिखा था वो, किसने ध्यान नहीं दिया, शाबाश। हाँ अभी इसमें भी सेम, फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल, सेकंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, थर्ड आपको कैलकुलेट करना है वेट ऑफ कार्बन, चलते कार्बन में चलो इसका वेट कितना रहेगा, एन, सबसे पहले एन फाइंड आउट करना है। तो जब आप किधर से किधर जाते हो, मास दिया आपको, फाइंड आउट क्या करना है, मोल्स, तो मास से जब आप मोल्स में जाते हो तो क्या करते हो, चेक करो क्या करते हो, डिवाइड किससे डिवाइड, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं। तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है जरा चेक करो, 44 है कि 44 12 इंटू 3 प्लस 8 तो 36 प्लस 8 विल बी यहाँ पे रहने वाला 44, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 2 मोल्स आएगा। अब जरा ध्यान दो, एक
मोल C3H8 में कितना कार्बन रहेगा, जरा बताओ कितना मोल ऑफ कार्बन रहेगा, सब लोग बताओ, आवाज आना चाहिए सबका। 3 मोल ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन कितना रहेगा? 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब दिया क्या, लेकिन आपको दिया है 2 मोल दिया है C3H8 का, तो अभी बताओ कितना रहेगा नंबर ऑफ मोल इसमें? 6 मोल ऑफ कार्बन और 16 मोल ऑफ। अब आपको क्या ढूंढना है, वेट। दिया क्या है मोल, ढूंढना क्या है वेट, तो मोल से वेट कैसे जाओगे, क्या करोगे, क्या करोगे? N into M। ठीक है, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट, या फिर N इक्वल टू क्या आता है, W अपॉन M। हेलो कौस्तुभ, सेबिन आवाज नहीं आ रहा आपका, N के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 2 पक्का 2। कार्बन का ढूंढना है, कार्बन का ढूंढना है, तो N कितना रहेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 3 डालना पड़ेगा, 6। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन रहेगा 12 × 6। तो W कितना आने वाला है, 72 ग्राम। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? हेलो हुआ क्या? या हो गया। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे स्टॉप करते हैं, कल हम लोग इसके आगे का पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके सर। सबको नोट सबमिट करना है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, अभी है ना आप 11 बजे, देखो आपको एक टाइम लिमिट दे रहा हूं मैं 5 बजे तक, अगर आप मुझे 5 बजे के बाद सबमिट करोगे तो मैं कल लेक्चर में नहीं लूंगा, आप भेजो फिर भी नहीं लूंगा मैं लेक्चर में, तो 5 बजे के पहले ही भेजना, मैं उतना ही बोलूंगा 5 बजे के पहले भेजो, 5 के बाद भेज दो, आपने अगर किया रहेगा तो भी मैं लेक्चर में नहीं लूंगा। सो क्या भेजना है? क्लास वर्क जो आज लिखना है।